सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो चाहते हैं कि YouTube का बैनर बन सके। बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप बैनर बनाना सिखाइए, YouTube का बैनर बनाना सिखाइए, क्योंकि YouTube का जो बैनर है वो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं उसके। टीवी के लिए अलग डायमेंशन है, डेस्कटॉप के लिए अलग डायमेंशन है, टैबलेट के लिए अलग डायमेंशन है और मोबाइल के लिए अलग डायमेंशन है। तो जो आप बैनर आप बनाते हैं वो हर जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो अब मैं जो आपको बैनर बनाना सिखा रहा हूँ वो सारी जगह एडजस्ट हो पाएगा। क्या करना है उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, पर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप उसे देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा तभी पूरा उसमें समझ आएगा। स्किप मत करिएगा, स्किप करने से बैनर भी स्किप हो जाएगा। तो स्किप नहीं करना है, एक एक स्टेप्स को ध्यान से देखना है। बट उससे पहले मैं बैनर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, यूट्यूब का जो मेन जो बैनर होता है वो इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? वो बैनर इसलिए होता है क्योंकि वो आपके चैनल की ब्रांडिंग करता है। ब्रांडिंग मतलब कि पॉपुलैरिटी करता है, एक मार्केटिंग करता है, एक डिजिटल मार्केटिंग करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। जितना अच्छा आपका बैनर होगा उतने ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और आपके चैनल के वीडियोस को और ज्यादा देखेंगे। उसे कहते हैं हम फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे थंबनेल होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, वैसे ही यूट्यूब का चैनल आर्ट बैनर फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो इसलिए बैनर अच्छा होना चाहिए और हर जगह पे दिखाई दे, चाहे वो टीवी हो, डेस्कटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, हर जगह पे एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी जान लेते हैं कैसे बनाना है यूट्यूब का बैनर, जिसकी आप लोगों को सख्त जरूरत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको लाइक दबा देना है और सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले और सबसे पहले आपको नॉलेज मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और स्क्रीन पे आते हैं और जानते हैं कैसे करना है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। आगे हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले देखिए कैनवा में चले जाइए। कैनवा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें प्रो वर्जन भी आता है बट फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं और आप अच्छे अच्छे थंबनेल्स और बैनर बना सकते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, कैनवा में सबसे पहले देखिए रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट के बारे में ही बता रहा हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें बेसिकली आप जाइएगा YouTube चैनल आर्ट पे। उसमें टेम्पलेट्स आपको बहुत सारी आपको मिल जाएगी बट हमने टेम्पलेट्स यूज नहीं करनी है, हम ब्लैंक से बनाएंगे। तो अब हम आगे हैं YouTube चैनल आर्ट पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं YouTube चैनल आर्ट आ चुका है। YouTube चैनल आर्ट का बेसिकली ये जो है ब्लैंक पेज है बट ये जो हम टेम्पलेट्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग डायमेंशन का है और ये मोबाइल पे एडजस्ट नहीं हो पाता है। हम ब्लैंक से बनाएंगे और कैसे बनाना है, हर डायमेंशन को कैसे ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए डायमेंशंस बेसिकली होता क्या है। टीवी के लिए जो डायमेंशन होता है, जो साइज होता है वो 2560x1440 पिक्सल होता है। डेस्कटॉप के लिए 2560x423, टैबलेट के लिए 1855x423 और मोबाइल के लिए होता है 1546x423। ये बेसिकली डायमेंशंस होते हैं। तो अब ये जो ब्लैंक आपका आ रहा है स्क्रीन, अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपको पता कैसे चलेगा, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, मैं इसको टफ नहीं बनाऊंगा, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप गूगल में जाइए, google.com में लिख दीजिएगा YouTube कवर डायमेंशंस। ये देखिए YouTube कवर डायमेंशंस, जब आप लिखेंगे और इसे एंटर करेंगे तो इसमें आप इमेजेस में चली जाइएगा। इमेजेस में जाएंगे तो यहां पे देखिए ये जो इमेजेस आएगी ब्लैक साइज की, जिसमें YouTube का बैनर साइज सब कुछ जो है टीवी का दिया हुआ है, टीवी का दिया है, डेस्कटॉप का दिया है और मोबाइल का दिया हुआ है, ये सब जो है ये साइज इसमें बनाया हुआ है। तो ऑलरेडी क्रिएटेड ये साइज है, हम इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। हम इसको डाउनलोड करने के बाद हम इसे अपलोड कर लेंगे अपने कैनवा में। यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आता है, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से अपलोड मीडिया में जाके भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले से ही इसे अपलोड कर लिया है, इसे ड्रैग करिए ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ब्लैंक साइज पे आपका आ गया। अब इसमें बेसिकली क्या करना है, आप इसे ड्रैग करके पूरे साइज पे एडजस्ट करिए, इसे ड्रैग करिए इसको और यहां से भी दूसरे कोने से भी इसको ड्रैग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारा स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसे हम लॉक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे लॉक लगा होता है। लॉक का बेसिकली ये फायदा होता है कि ये हिलेगा नहीं, अब कुछ भी कर लीजिए कहीं पे हिल जाए तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट एरिया है,
ये जो टेक्स्ट एरिया है ये मोबाइल का है, तो यहाँ पे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल पे हमें फोकस करना है, क्योंकि मोबाइल पे चीज आपकी बैनर की दिखती नहीं है, मोबाइल पे दिखाई नहीं देता है जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीज डाली होती है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये जो एरिया है ये पूरा एरिया टैबलेट का आ जाता है, ये यहां से ये पूरा एरिया जो है आपका डेस्कटॉप का आ जाता है, और ये पूरा जो एरिया है ये टीवी का है, तो हम टीवी पे इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि टीवी पे काम ही चलता है। जो आपकी ऑडियंस बेसिकली ज्यादा से ज्यादा होती है वो होती है मोबाइल एरिया की, मोबाइल की और डेस्कटॉप की, तो हम इन चीजों पे हम फोकस करेंगे। इस एरिया में हमने डिजाइन करना है, ये डेस्कटॉप का यहां तक है और ये जो है मोबाइल का एरिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है बैकग्राउंड कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड मैं ले लेता हूं यहां पे एलिमेंट्स के अंदर जाकर, एक स्क्वायर साइज का लाइन एंड शेप में से स्क्वायर साइज आप ले लीजिएगा, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर कर दिया है। अब इसको सारे एरिया पे आप कवर अप कर दीजिए, इसको ड्रैग कर लीजिएगा और इसके कवर कर दीजिए, आपको जो कलर चाहिए आप कर सकते हैं। अब मुझे जो एरिया है जो अब मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे कम कर देता हूँ। अब ये देखिए ट्रांसपेरेंसी कम कर दी है, तो मुझे एरिया नजर आ रहा है कि ये जो एरिया है ये एरिया पे मुझे डिजाइन ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये मोबाइल का एरिया है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डेस्कटॉप है और ये पूरा टीवी का है, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप लेना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कलर। अब मैंने फोटो कोई भी डाली है तो आप फोटो कोई भी डाल सकते हैं, एक फोटो से क्या होता है एक आइडेंटिटी पता चलती है कि चैनल किसका है, तो मैं जैसे अब ये फोटो लगाना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसे मैंने ये वाली फोटो मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस एरिया पे देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये जो एरिया है मैं इसमें एडजस्ट करूंगा, ये जो मोबाइल का एरिया है मैं इसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ फोटो को, तो ये हो गया मेरी फोटो। अब इसमें डार्क करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को, इसकी जो बैकग्राउंड है इसकी ट्रांसपेरेंसी हम देखिए ऐसे आएगी फोटो। अब इसमें हम चैनल नेम हम सिलेक्ट करेंगे, चैनल नेम देखिए बोल्ड होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसका आप साइज भी कम कर सकते हैं, इसका साइज कम कर लीजिए, इसका साइज हम रख देते हैं 80, इसका हमने साइज 80 कर दिया है। सो फ्रेंड्स हमने इसका साइज चेंज कर दिया और यहाँ पे हम अपना चैनल नेम लिख देते हैं फन इन्फो मैट्रिक्स, तो आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहां से कलर भी आप कोई चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे इसमें फीचर्स आपको मिल जाएंगे, आप लेटर के स्पेसिंग देखिए कर सकते हैं, लाइन की स्पेसिंग का आप कर सकते हैं, कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं, देखिए इस एरिया में आ गया है मेरा, मैंने चैनल नाम लिख दिया, चैनल नेम बहुत जरूरी है, चैनल नेम से ही पता चलेगा, क्योंकि चैनल नेम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कॉपी कई बार क्या होता है कि आपके फॉलोअर्स होते हैं वो स्नैपशॉट लेके और को शेयर करते हैं, तो जिससे ये फायदा होता है कि आपका जो चैनल नेम साफ नजर आए ताकि दूसरे लोग भी देख पाए और आपके चैनल को और ज्यादा एक्सेस कर पाए। तो ये देखिए चैनल नेम आ गया और आप इसमें आप फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि आपका चैनल किससे रिलेटेड है वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए, जैसे आप जैसे मेरा यूट्यूब अपडेट्स देता है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब अपडेट्स लिख दूंगा और अनबॉक्सिंग लिख दूंगा, आपका वी लॉग है तो आप वी लॉग लिख सकते हैं या टैग लाइन लिख सकते हैं आई लव टू ट्रैवल, ऐसे आप कोई टैग्स एंड कोड्स आप लिख सकते हैं, लव ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवल वी लॉग, तो ये सब आप
डिजाइन पे आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा आप डिजाइन करना चाहते हैं। सो यूट्यूब अपडेट्स है, अनबॉक्सिंग है, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। आपका चैनल जिससे भी रिलेटेड है तो आप लिख सकते हैं, वीलॉग है तो वीलॉग ही लिख सकते हैं, या कोई टैगलाइंस आप लिख सकते हैं, साइज इसका चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं इसकी सारी। आप इसमें ये भी बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं आपकी वीडियो कब कब आती है, तो आप यहाँ पे एवरी वेनेसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे, संडे, जो भी है टाइम भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके बेसिकली जो ऑडियंस है वो आपके साथ इन टच रहेगी कि हाँ इस डेज में आपकी वीडियो आती है, तो आपके बैनर से पता चल जाएगा कि इस डेज भी आपकी वीडियो आती है, तो वो आपकी जो ऑडियंस है वो इन टच रहेगी बैनर से। ये भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना टाइम कि कब, मतलब कि आपकी जो है वीडियोस आती हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि लाइव भी मैं आता हूँ, लाइव के आप टाइमिंग्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये जो है मेरा एरिया, ये आ गया, ये मेरा एरिया बेसिकली जो है मोबाइल का है, तो मैं मोबाइल के लिए आपके लिए कर रहा हूँ। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को पूरा करके देखता हूँ कैसे आ रहा है। ये देखिए ये कलर स्पेसिफाई हो रहा है, थोड़ा सा कलर को हम और अच्छा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कलर आप चेंजेस कर सकते हैं, जो कलर जो है इसमें सूट कर रहा हो वो। आप डिजाइनिंग का पार्ट आपको देखना पड़ेगा कि आपको बस ये है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड्स है वो क्लियरली दिखें। सो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये डेस्कटॉप का एरिया है, तो पूरा आप कवर अप कर सकते हैं अगर डेस्कटॉप के आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। तो ये वाला जो आपका एरिया, ये पूरा जो एरिया है वो टीवी का है, अगर आप टीवी पे दिखाना चाहते हैं बैनर को तो क्या क्या आप चीज़ें भर सकते हैं, बट ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये आपका जो है मोबाइल पे नजर आएगा, तो आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, बेसिकली आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए और PNG सेलेक्ट करिए और ये आपका डाउनलोड आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने सिंपल सा बताया है, बट मैंने आपको मेन ये आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे आपको बेसिकली एरिया का ध्यान रखना है कि ताकि जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी मोबाइल के बैनर पे सब नजर आए। तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की, डिजाइनिंग में आप बहुत कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं, बस अपना चैनल का नाम इंपॉर्टेंट है, कब आपकी वीडियोज आती है वो आप दिखा सकते हैं, आपका चैनल किससे रिलेटेड है वो आपको बैनर पे बताना जरूरी है, वीलॉग है, अनबॉक्सिंग है, किचन का है, क्या है। फोटोज आप कोई भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बैकग्राउंड आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा भी बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हैं। बेसिकली मेन जो फोकस था मेरा ये बताना था कि एरिया को बेसिकली कैसे सिलेक्ट करें। अब ये देखिए मेरा जो है बैनर तैयार हो गया है, ये बैनर तैयार हो चुका है। अब आप कहेंगे इसका बैकग्राउंड फोटो को कहाँ से हटाया है, तो वो बैकग्राउंड की मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है बैकग्राउंड रिमूवर की, तो वहां से जाके आप किसी भी अपनी फोटो का बैकग्राउंड आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं अपने चैनल्स पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो कैसा नजर आएगा आप देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं बैनर चेंज करूँगा, ये देखिए मेरा पुराना बैनर है, तो अब मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए बैनर की इमेज यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे सेव है डाउनलोड के अंदर, ये मैंने ओपन कर दिया। अब ये देखिए सारे डिवाइसेस आपको खुद नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये जो है पूरे डिवाइसेस में अवेलेबल होगा, ये टीवी का है, ये डेस्कटॉप का है, तो यहाँ पे मैंने डन कर दिया, ये देखिए आपका आ गया। इसको पब्लिश कर देना है और ये पब्लिश हो गया। सो फ्रेंड्स ये बैनर चेंज हो चुका है, आप इसे मोबाइल स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ऐसा लगेगा। तो ये मैंने बेसिकली आपको दिखाया है कि कैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, आप अपनी बैनर बहुत बढ़िया बना सकते हैं, बस आप कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा। मेन चीज़ें क्या है कि आपका मोबाइल पे मेन चीज़ दिखना चाहिए, मोबाइल पे जो आपका स्पेस दिया हुआ है उसमें, मोबाइल के स्पेस जो दिया हुआ है उसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट आना जरूरी है।
और टीवी के लिए आप करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। और अपने बैनर में एक तो आपका चैनल नेम होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, और कब आपकी वीडियोस आती हैं वो बता सकते हैं, और किससे रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं वो आप बता सकते हैं। डेस्कटॉप वाले में आप दिखा सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम का कोई लिंक है या वो है, वो भी आप लिख सकते हैं, या आपने कोई बुक लॉन्च की हो तो वो भी आप दिखा सकते हैं डेस्कटॉप के स्पेस पे। तो फ्रेंड्स, ये था इजी वे में जो है बैनर बनाना। यूट्यूब का बैनर बहुत डिमांड आ रही थी तो तभी मैं इसलिए वीडियो बनाई है। आई होप आपको हेल्प करेगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लैरिटी आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके बारे में आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद।